गाइस वेलकम बैक इन अदर वीडियो, वेलकम टू टेक्निकल सखर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कुछ इस तरह की नेचुरल स्टाइल में वीडियो एडिटिंग, जो कि आपको सैंपल वीडियो में देखने को मिल रही है। तो इस तरह की वीडियो हम एडिट करेंगे काइन मास्टर के अंदर। सो गाइस अगर आप भी इस तरह की वीडियो एडिट करना चाहते हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को लाइक कर देना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को आपने लाजमी से प्रेस करना होगा। और वीडियो एडिट करने के लिए जो भी मटेरियल यूज़ करने वाला हूँ उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी, तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस सबसे पहले काइन मास्टर को आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहां पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। सो आपने क्या करना है, इसे ओपन करना है और यहां पर आपको न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिल रहा है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपको 16:9 वाला रेशो सेलेक्ट करके नीचे आपको क्रिएट का ऑप्शन मिल रहा है, क्रिएट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। गैलरी में चले जाना है और यहां से आपने जाना है एक बैकग्राउंड फोटो सेलेक्ट करना है, नेचुरल टाइप वाला बैकग्राउंड फोटो। इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी है, तो इसे डाउनलोड कर ले। उसके बाद आपने इसकी टाइमलाइन पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद इसकी जो टाइमलाइन, इसे बढ़ाकर आपने जितना स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं उतना ही आपने इसकी टाइमलाइन को इंक्रीज कर देना। तो मैं यहां पर तकरीबन 15 सेकंड कर लेता हूं। उसके बाद आपने फर्स्ट पोजीशन पे आ जाना है और यहां पर लेयर पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपको मीडिया का ऑप्शन मिल रहा है, मीडिया पे क्लिक कर देना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपने अपनी मॉडल का फोटो सेलेक्ट कर देना है, जो भी फोटो आप लगाना चाहते हैं उस फोटो को आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने इसकी जो साइज़ है इसे थोड़ा सा बढ़ा लेना है, इस तरीके से जैसे मैं यहाँ पर इसकी साइज़ को बढ़ा रहा हूँ। उसके बाद इसकी टाइमलाइन को भी आपने बढ़ा देना है, जितना स्टेटस है उतना आपने इसकी टाइमलाइन को इंक्रीज करना है। देन उसके बाद आपने अपने फोटो को कुछ इस साइड में लेकर जाना है यहाँ पर आपने, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर की पे क्लिक कर देना, ये की का ऑप्शन आपको मिल रहा है, की पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपने तकरीबन आपने एक सेकंड आगे चले जाना है, ठीक है। एक सेकंड आगे जाने के बाद आपने अपने फोटो को यहाँ से लेकर आना है इस जगह पर, ठीक है गाइस। यहाँ पर लेकर आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इस फोटो को इस जगह पर एड करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एंड में चले जाना है। एंड में जाने के बाद यहाँ पर आपने अपने फोटो को थोड़ा सा आपने आगे लेकर आना है, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। यहां पर लेकर आने के बाद आपने इसे ओके कर देना है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं यहां पर इस तरीके से यहां पर ये फोटो आपको देखने को मिलेगा। सो गाइस इस तरीके से ये आपका फोटो यहां पर मूव कर रहा है। तो उसके बाद आपने फर्स्ट पोजीशन पे आ जाना है, लेयर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद मीडिया पे क्लिक कर देना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद अपनी गैलरी में चले जाना है और उस वहां पर आपने एक जो है पोस्ट टाइप में एक जो है ग्रीन स्क्रीन पीएनजी है, इसे आपने सेलेक्ट करना है, इंस्टाग्राम पोस्ट टाइप में इसे आपने सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इसे यहाँ पर लेकर आना है थोड़ा सा आगे, ठीक है, और इस जगह पर आपने इस यानी पीएनजी को यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद इसकी टाइमलाइन को भी बढ़ा देना है, जितना स्टेटस है उतना ही आपने इसकी टाइमलाइन को इंक्रीज कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर साइड में काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल रहा है, क्रोमा की वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इसे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये आपको जो है इसका जो ग्रीन पार्ट है वो खत्म हो चुका है। उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे आ जाना है, लेयर पे क्लिक कर देना है और मीडिया पे क्लिक करके यहाँ से आपने इसी मॉडल का दोबारा से फोटो सेलेक्ट कर देना है, लेकिन इस फोटो का आपने बैकग्राउंड रिमूव नहीं करना। तो यहाँ पर मैंने इसका बैकग्राउंड यहाँ पर रिमूव नहीं किया, तो इसे यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेंड टू बैक का ऑप्शन मिल रहा है, सेंड टू बैक पे क्लिक कर दें। अब देखें इसकी जो कुछ साइड है आउटसाइड में आपको देखने को मिल रही है, इन्हें आपने थोड़ा सा क्रॉप करना है। वो कैसे करना है, नीचे आना है, यहाँ पे क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर इसकी ये वाली साइड जो है यहाँ पर आपने क्रॉप कर देनी है। ये देखें इस तरीके से अब ये बिल्कुल फिट हो चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी टाइमलाइन को भी बढ़ाकर एंड तक लेकर जाना है भाई यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर लेकर आने के बाद इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद फर्स्ट पोजीशन पे आ जाना है। फर्स्ट पोजीशन पे आने के बाद लेयर पे क्लिक कर देना है और मीडिया पे क्लिक कर देना है। मीडिया पे क्लिक करके यहाँ से ऑडियो प्लेयर स्टाइल वाली आपने एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो सेलेक्ट कर देनी है। यहाँ पर मैंने इस वीडियो को सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसकी साइज़ को बिल्कुल कम कर देना है, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपने इसे ऊपर लेकर जाना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लेकर आने के बाद अब आपने क्या करना है, इसकी जो यानी कि थोड़ी सी साइज़ को आपने मज़ीद कम करना है। उसके बाद यहाँ पर ऐड कर देना है।
उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑडियो का ऑप्शन मिल रहा है, ऑडियो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ऑडियो को हमने बंद कर देना है। उसके बाद बैक करके नीचे आना है, यहाँ पर आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिल रहा है, सो ब्लेंडिंग पे क्लिक कर दें। ब्लेंडिंग पे क्लिक करने के बाद नीचे आकर स्क्रीन पे क्लिक कर दें। तो जैसे आप स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो इसका जो ब्लैक पार्ट है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपने इसे एडजस्ट कर देना है, ये देखें इस तरीके से एडजस्ट करने के बाद इसे ओके कर दें। ओके करने के बाद देख सकते हैं इस तरीके से ये वीडियो आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद आपने फर्स्ट पोजीशन पे आ जाना है। फर्स्ट पोजीशन पे आने के बाद लेयर पे क्लिक कर देना है और मीडिया पे क्लिक कर देना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ से एक बर्ड पीएनजी आपने सेलेक्ट कर देना है। ये देखें ये बर्ड पीएनजी है, इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी है, तो इसे आपने सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर इसकी साइज को कम कर देना है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर इस जगह पर ऐड करना है। यहाँ पर ऐड करने के बाद आपने क्या करना है भाई, यहाँ से इसकी टाइमलाइन को भी बढ़ा देना है। टाइमलाइन को बढ़ाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट में आ जाना है और उसके बाद आपने की का ऑप्शन आपको मिला, की पे क्लिक कर दें। देन उसके बाद लास्ट में चले जाना है। लास्ट में जाने के बाद अपने इस बर्ड को आपने यहाँ से इस जगह से यू मूव कर देना है, ठीक है गाइज। तो अब देखें यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर जैसे हम इसे प्ले करेंगे तो इस तरीके से हमारा जो बर्ड है कुछ इस तरीके से इस एंगल में मूव करेगा ऊपर की तरफ, ठीक है गाइज। उसके बाद आपने यहाँ पर इसे ओके कर देना है और फर्स्ट पोजीशन पे आ जाना है। लेयर पे क्लिक कर देना है, मीडिया पे क्लिक कर देना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ पे फ्लावर पीएनजी ऐड कर देनी है, तो मैं फ्लावर पीएनजी को भी ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन पे क्लिक कर दें। देन उसके बाद यहाँ पर फिट टू फुल स्क्रीन पे क्लिक कर दें। उसके बाद इसकी जो टाइमलाइन है इसे आपने यहाँ पर बढ़ा देना है, जितना स्टेटस है उतना ही अपने इसकी टाइमलाइन को इंक्रीज कर देना है। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से वीडियो देखने को मिल रही है। उसके बाद आपने लास्ट में फर्स्ट पोजीशन पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे लेयर पे क्लिक कर देना है और मीडिया पे क्लिक कर देना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से जो है ब्लैक स्क्रीन वाली जो है पार्टिकल वीडियो ऐड कर देनी है, तो मैं पार्टिकल वीडियो को भी ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद इसके ऑडियो पे क्लिक कर देना है, ऑडियो को आपने यहाँ से बंद कर देना है। उसके बाद बैक करके यहाँ से नीचे आना है, यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन आपको मिल रहा है, स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पे फिट टू फुल स्क्रीन पे क्लिक कर दें। उसके बाद नीचे आना, यहाँ पर आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिल रहा है, ब्लेंडिंग पे क्लिक कर दें और स्क्रीन पे क्लिक कर दें। स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद आप देखें यहाँ पे हमारी वीडियो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें अगर ऑडियो आप ऐड करना चाहते हैं अपनी मर्जी का, सो ऑडियो पे क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ से नीचे आना है, फोल्डर्स पे क्लिक कर देना है और आपकी गैलरी के जितने भी फोल्डर्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जिस भी ऑडियो को आप ऐड करना चाहें आपने उस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके उस ऑडियो को आपने ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारी वीडियो रेडी हो चुकी है, तो अब आपने इस वीडियो को सेव कर लेना है। सेव करने के लिए यहाँ पर एरो पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आपने यहाँ पे सेव इस वीडियो पे क्लिक करके वीडियो को सेव कर लेना है। वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कर दें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।